नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, सीएम धामी ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, बता दें कि सीएम धामी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम धामी कुछ ही देर पहले सचिवालय से राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के साथ मंत्रिमंडल का राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि खटीमा से सीएम धामी चुनाव हार गए। भुवन कापड़ी ने सीएम धामी को 6000 से अधिक वोटों से पराजित किया। वहीं आज सीएम ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। अब अगला सीएम कौन होगा, इस पर हाईकमान फैसला करेगा। इस मंत्री ने की धामी को फिर सीएम बनाने की मांग, बताई ये बड़ी वजह। सीएम पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। पहले दो विधायक उनके लिए सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुष्कर सिंह धामी को फिर से सीएम बनाए जाने की मांग रखी है। राजभवन में पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद गणेश जोशी का यह बयान आया है। गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाते पुष्कर सिंह धामी को कम समय मिला और कम समय में उन्होंने बेहतर काम करके दिखाए। हालांकि वह खुद चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। गणेश जोशी का कहना है कि यह फैसला भाजपा हाईकमान के ऊपर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा यह उनका व्यक्तिगत मत है। जोशी की माने तो सीएम रहते हुए उन्होंने प्रदेश के कई विधानसभा सीटों पर प्रचार कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का काम किया, जिसके चलते उनको अपनी विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए समय नहीं मिल पाया। यही कारण है कि वो चुनाव हार गए। कौन बनेगा सीएम, हार कर भी अपनों का दिल जीत गए पुष्कर सिंह धामी। कई विधायकों ने की सीट छोड़ने की पेशकश। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। इसके बावजूद कई विधायकों ने सीएम धामी को सीएम बनाए रखने की अपनी सीट खाली करने की पेशकश की है। राठ महाविद्यालय में शरारती तत्वों की तोड़फोड़, मामला दर्ज। जिले के राठ महाविद्यालय में पैठाणी में कुछ शरारती तत्वों ने छात्रावास में तोड़फोड़ की है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र नेगी ने पैठाणी थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पैठाणी पुलिस का कहना है कि मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार के सिद्धबली स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, प्रतिबंधित क्षेत्र में लगाने का है आरोप। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के कोटद्वार में माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ स्थापित सिद्धबली स्टोन क्रशर को हटाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई हेतु 23 मार्च की तिथि नियत है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति NS धनी की खंडपीठ में हुई। हाशिए पर उक्रांद, दो चुनाव में रसातल पर पहुंचा एकमात्र क्षेत्रीय दल UKD को जनता ने सिरे से नकारा। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में UKD ने दमदार प्रदर्शन। इस चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों में से 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 4 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद चुनाव दर चुनाव UKD का प्रदर्शन करता रहा। उसने उत्तराखंड में अपना जनाधार खो दिया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह UKD के नेताओं की महत्वाकांक्षा रही, जिसने पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया। अनुपमा रावत की जीत से इतना खुश हुआ समर्थक कि हाथ पर फोड़ दिया बम। विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने जीत दर्ज की है। अनुपमा रावत ने यहां से अप्रत्याशित जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता स्वामी अतीशानंद को हराया। हरिद्वार ग्रामीण से मिली सीट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरिद्वार में फैशन शो ऑर्गेनाइजर से लूट, कपड़े उतरवा कर वीडियो भी बनवाया। उत्तराखंड में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार जिले का है, जहां बदमाशों ने फैशन शो ऑर्गेनाइजर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने फैशन शो ऑर्गेनाइजर का नग्न वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि यदि उसने पुलिस में मामले की शिकायत की तो वे उसका वीडियो वायरल कर देंगे। पीड़ित ने हरिद्वार नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। पुष्कर सिंह धामी ने गवर्नर को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सीएम रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कैबिनेट की बैठक करके राजभवन पहुंचे। धामी राजभवन में गवर्नर गुरमीत सिंह से मिले। धामी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गवर्नर ने उनसे नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने को कहा है। नैनीताल के फागोत्सव का जश्न, नैनीताल में 9 दिवसीय फागोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। फागोत्सव होली महोत्सव 19 मार्च तक है। नैनीताल में राम सेवक सभा के द्वारा आयोजित होली महोत्सव में नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों से 20 से अधिक दल प्रतिभाग कर रहे हैं और होली गायन का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। राम सेवक सभा में होली महोत्सव का DIG नीलेश आनंद भरने ने शुभारंभ किया था। इससे पहले दिन महिलाओं ने तल्लीताल बस स्टैंड में मॉल रोड होते हुए जुलूस निकाला। बेटी अनुपमा की जीत पर हरीश रावत ने किया भावुक ट्वीट, कहा थैंक यू हरिद्वार। हरीश रावत ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हरिद्वार के ग्रामीण से अनुपमा की जीत मेरे लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है। मैं किन शब्दों में हरिद्वार ग्रामीण की जनता व भाई बहनों और हरिद्वार वासियों का आभार व्यक्त करूं, मुझे शब्द खोजे नहीं मिल रहे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर क्या बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, जानिए।
प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सवाल पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह जल्दी साफ हो जाएगा। उन्होंने कुछ दिन और इंतजार करने को कहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सबके सामने होगा। घर से बेड रोल ले जाने का झंझट खत्म, ट्रेनों में मिलेगा कंबल और चादर। ट्रेन में चादर और कंबल ले जाने का झंझट खत्म हो गया है। रेल यात्रियों को इससे कोविड के दौर से पहले लागू नियम के अनुसार यह सुविधा दी जाएगी। इंडियन रेलवे ने ट्रेनों में कंबल और लेनन देने की सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ऋषिकेश, बीजेपी की जीत के जश्न में पूर्व सभासद ने खोया आपा, स्वर्ग आश्रम मैनेजर को जड़ा थप्पड़। यमकेश्वर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेणु बिश की जीत के बाद बीजेपी समर्थकों का जोश हाई है, लेकिन इस जोश में बीजेपी समर्थक ने होश खो दिया। बीजेपी समर्थक नवीन राणा ने स्वर्गाश्रम के मैनेजर जयेश झा को थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। उत्तराखंड में बागियों का हाल, जाने किसे मिली जीत और कौन हार गया। उत्तराखंड में बीजेपी ने 47 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। इस चुनाव में जनता की नजर कांग्रेस और बीजेपी उन नेताओं पर थी जिन्होंने पार्टी से बगावत करने डरे या फिर दल बदल कर चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी। इनमें से कुछ बागियों को तो जनता ने जिता दिया, लेकिन कुछ को हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तराखंड में BSP की वापसी, उत्तराखंड में BSP ने की वापसी। UP में जीती सिर्फ एक सीट, यहां मिली दो। उत्तर प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं चार बार यूपी के मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती की पार्टी को इस चुनाव में महज एक सीट से संतोष करना पड़ा है। इसके उलट उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में BSP दो सीटें जीती हैं। लक्सर से मोहम्मद शहजाद और मंगलौर से सरवत करीम अंसारी ने जीत हासिल कर सूखा खत्म किया है। ऋषिकेश में 8 प्रत्याशी रहे नोटा से भी पीछे, बीजेपी ने झटकी सीट। ऋषिकेश विधानसभा सीट में नोटा ने भी कमाल दिखाते हुए 8 प्रत्याशियों को हराया है। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल, सपा, शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं ऋषिकेश विधानसभा सीट से प्रेमचंद अग्रवाल ने जीत हासिल की है। हरिद्वार में नाबालिग को बहला फुसलाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर होटल में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अप्रैल से शुरू होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए अप्रैल से तीर्थयात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बृहस्पतिवार रात यह घोषणा की। श्राइन बोर्ड ने अप्रैल से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पंजीकरण शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि दक्षिण कश्मीर के हिमालय क्षेत्र के तीर्थ स्थल में तीर्थयात्रियों की आवाजाही के लिए RFID आधारित ट्रैकिंग की जाएगी। कांग्रेस में घमासान, इनको बताया हार का जिम्मेदार। कांग्रेस की हार के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी चल निकला है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुई सिंगर सोनिया आनंद रावत ने हार के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने देवेंद्र यादव पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बकायदा अपने फेसबुक वॉल पर यादव के लिए कुछ तल्ख टिप्पणियां की। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव उन लोगों में से हैं जो दिल्ली से आते हैं और उत्तराखंड को लूट कर निकल जाते हैं। अपनी पोस्ट से सोनिया आनंद रावत ने लिखा कि देवेंद्र यादव हो तो आप हारे हुए विधायक, लेकिन घमंड आपका प्रधानमंत्री से भी ऊपर दर्जे का है। आपको मुखी खानी पड़ी। आपने उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस को बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे लिखने में जरा से भी हिचक नहीं हो रही कि आप माँ झूठे इंसान है, क्योंकि आपने मुझे कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर किया, अन्यथा सोनिया आनंद अपने में सक्षम थी और रहेगी। आप जैसे नेताओं के पीछे घूमने की आवश्यकता मुझे कभी नहीं थी और जनता बहुत समझदार है। यूपी की नकली पुलिस कर रही थी स्मैक तस्करी, गिरफ्तार। यूपी की नकली पुलिस स्मैक तस्करी कर रही थी। ये जानकारी मिलते ही पटेल नगर पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस की टीम ने छापा मारकर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े आरोपी तस्करी के लिए यूपी पुलिस के फर्जी पहचान पत्र का सहारा ले रहे थे। हत्या का खुलासा, जांच में सामने आया ऐसा सच, हैरान रह गई पुलिस। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। जांच के दौरान ऐसा सच सामने आया जिसके बारे में जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। उधम सिंह नगर जिले में एक किशोर की हत्या और हत्या के कारणों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्यारोपित ने मोबाइल पर अनजान लड़की से संपर्क बढ़ाया तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। साथ रहने के लिए आरोपी उसे भगा ले गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।